हेलो एवरीवन, अपने कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग सीरीज में आज एक नया इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रूडेंस का मतलब ही क्या होता है? समझदारी होता है, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? समझदारी वाला कॉन्सेप्ट, समझदारी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलो या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलो, एक ही बात है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, जिसको ध्यान से समझना। टू रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब मैंने पहले भी बताया है, शो करना, ठीक है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? शो करना। हमें खाली क्या दिखाना है, जितने भी हमारे फ्यूचर पॉसिबल लॉसेज और एक्सपेंसेज हैं उनको शो करना है, ठीक है। और हमें किसको इग्नोर कर देना है? जितनी भी हमारी फ्यूचर में होने वाली इनकम और गेन है उनको क्या कर देना है? हमें इग्नोर कर देना है। सिंपल, यही इसकी डेफिनेशन है। टू रिकॉग्नाइज ऑल फ्यूचर लॉसेज एंड एक्सपेंसेज एंड टू इग्नोर ऑल फ्यूचर इनकम एंड गेन। अब इसमें क्या होता है, अगर हम फ्यूचर वाले एक्सपेंसेस को होने फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस और लॉसेस को देख रहे हैं, तो हम क्या बनाते हैं? हमेशा प्रोविजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं उनके लिए? प्रोविजन। इन दिस वी मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, मान लो कि हमने कोई मशीन खरीदी। अब जब हमने कोई मशीन खरीदी तो उसकी कॉस्ट कितनी थी? 20,000 रुपीज़, ठीक है। अब उसमें हर साल 5,000 रुपये डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब हर साल लगेगा मतलब पहले साल के एंड में भी लगेगा, दूसरे साल के एंड में भी लगेगा, तीसरे साल के एंड में भी लगेगा और चौथे साल के एंड में भी लगेगा, और मशीन क्या हो जाएगी? आखिरी में ख़त्म हो जाएगी, मतलब बिल्कुल उसकी कोई भी वैल्यू नहीं बचेगी। तो ये हर साल के एंड में जो लग रहा है वो क्या है? प्रोविजन है। वो क्या है? प्रोविजन, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो ये हैं। पहली क्या, देयर कैन नॉट बी प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए कभी भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता, लगाया जाता है फिर बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा, देयर कैन नॉट बी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स के लिए डिस्काउंट के लिए भी कोई प्रोविजन कभी नहीं बनाया जाता। तीसरा, अननेसेसरी स्ट्रेचिंग ऑफ कंजर्वेटिज्म विल रिजल्ट इन। अगर हम इसको जबरदस्ती मतलब कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को हम जबरदस्ती खींचेंगे, जबरदस्ती बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा? दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली क्या, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या होगा, प्रॉफिट कम दिखाया जाएगा। दूसरा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स भी कम दिखाया जाएगा। दोनों चीज़ें होंगी। पहली क्या, प्रॉफिट कम दिखाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या, एसेट्स भी कम दिखाया जाएगा, एसेट्स की वैल्यू भी कम दिखाई जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ कि मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट हमें 1,000 रुपीज़ का है और एक्सपेंस में कोई सैलरी है 2,000 रुपीज़ की, तो हमें नेट प्रॉफिट कितना होगा? 800 रुपीज़, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में सैलरी माइनस कर देंगे तो 800 रुपीज़ क्या आ जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब उसी साइड में अगर बैलेंस शीट की बात करूँ, तो हमारे पास बैलेंस शीट है, वहाँ पे डेटर्स कितने हमारे 2,000 के, ठीक है। ये सिंपल है और कुछ नहीं है। अभी अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को स्ट्रेच किया, मतलब और बढ़ाया। मान लो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने कोई प्रोविजन बनाया, जबरदस्ती का प्रोविजन बनाया। अब हमने प्रोविजन बनाया तो उससे क्या हो, ग्रॉस प्रॉफिट था हमारा वही 1,000 रुपीज़, सैलरी 200 रुपये की थी, हमने कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया, कितने रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। तो उससे क्या हुआ, जो हमारा हमारा प्रॉफिट आया 700 रुपये, जो हमारा प्रॉफिट पहले 800 था वो क्या हो गया, 700 हो गया। किसकी वजह से हुआ ये? प्रोविजन की वजह से। तो ये प्रोविजन हमने बनाया क्यों? कंजर्वेटिज्म की वजह से। अब जब तो इसलिए मैंने कहा कि इससे क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट मतलब कम दिखाया जाता है। दूसरा, हमारे पास डेटर 2,000 के थे, डेटर की वैल्यू 2,000 थी, हमने प्रोविजन बनाया 100 रुपीज़ का, तो प्रोविजन यहाँ से माइनस किया जाएगा 100 रुपीज़, तो एसेट्स की वैल्यू कितनी बची? 1,900। मतलब क्या हुआ, एसेट्स की वैल्यू जो पहले 2,000 थी वो कितनी हो गई है? 1,900। तो इससे क्या हो रहा है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट। ये इंपॉर्टेंट है तीन पॉइंट। पहला क्या, कि देर कैन नॉट बी प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के लिए कभी भी कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता, ठीक है। देर कैन नॉट बी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के लिए भी कभी कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता। और अगर हम इसको जबरदस्ती स्ट्रेच करेंगे तो दो चीज़ें होंगी। पहला क्या, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कम दिखाया जाएगा, और अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट भी कम दिखाया जाएगा, ठीक है। तो गाइज, यही था हमारा बस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है, इसको ध्यान से समझ लेना। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज़।